दोस्तों आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी की फाइनल वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। आपने देखा होगा कि कई फर्जी जो है नोटिफिकेशन आई, लेकिन ये एक फाइनल नोटिफिकेशन है। आप मेन जो है एसएससी की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। इसमें जो है वैकेंसी आप देख लीजिए कितनी, देखिए स्टार्टिंग डेट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म फिल करने का, 27 तारीख से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 11वें महीने तक 30 तारीख को आपको लास्ट डेट मिला है। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में, तो वैकेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात एज काउंटिंग की। तो यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं 24,369 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है। यहाँ पे तीसरे नंबर पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वैकेंसी आगे बढ़ेगी, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वैकेंसी पहले बहुत ज़्यादा आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से बताया गया है केवल इतनी ही वैकेंसी है, और आप देख सकते हैं वैकेंसी की डिटेल को। और आगे देखते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा एज काउंटिंग की। तो एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 18 से 23 साल जो है वो एज है, और एज की काउंटिंग जो है वो 1/1/2023 से की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो 2 तारीख पहला महीना 2000 को जन्मा है और 1/1/2005 के बीच है उसका जन्म तिथि, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए 3 साल की जो है ओबीसी को छूट और एसटी को 5 साल की छूट, ऐसी छूट रहती है। अब देख लीजिए यहाँ पे सब छूट दिया हुआ है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल ही फर्जी नोटिफिकेशन नहीं है। आप एसएससी के मेन वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये पूरी जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको डायरेक्ट लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और पोस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम आई हुई है। सबसे ज़्यादा बात करें तो बीएसएफ में जो है अच्छी खासी वैकेंसी इस बार फिर से आई हुई है, जो कि पिछली बार भी आई थी। और हम सीआरपीएफ की बात करें तो उसके बाद इसमें सेकंड नंबर हाईएस्ट है, और उसके बाद सबसे कम यहाँ पे सीआईएसएफ का पोस्ट है, क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 8000 केवल सीआईएसएफ का पोस्ट था। देख लीजिए आपके हिसाब से। और आगे देखिए, इसमें नया जुड़ा है एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है नया वैकेंसी जुड़ा है, और देखते हैं इस बार कितना कट ऑफ जाता है। देखिए हाई इस बार भी जाएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आप रिलैक्स रहिए, वैकेंसी और बढ़ेंगी ऐसा उम्मीद है। और देख लीजिए एक बार फिर लास्ट डेट को, ये सब नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। और देखिए आपको एग्ज़ाम भी दे दिया है कि जनवरी 2023 में आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। पहले नोटिफिकेशन में दूसरी बात कही गई थी, पर देखिए जो भारत सरकार है वो मिशन मोड पे है, इसके कारण भी आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी से वैकेंसी आ रही है। तो आप देखिए आज ही आप अप्लाई कर लीजिए, आज या फिर कल आप अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, है ना। और ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, पूरे 55 पेज का ये नोटिफिकेशन है जिसमें सब कुछ दिया गया है, लेकिन मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। और आप चाहे तो मेन वेबसाइट पे अभी विजिट कर सकते हैं और देख लीजिए, आज 27 तारीख है, आज की डेट में जो है नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, और आज से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं कहूँगा आप देखिए 10वीं पास के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आज ही अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो कल अप्लाई कर लीजिए, आपके ऊपर है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, बस आपको केवल यही है कि 100 रुपये फीस है, ये सब आपको दिया हुआ है। बट आपको ये बस याद रखना है कि अब आप सिलेबस पूछेंगे तो इसमें 25 का मैथ्स आता है, 25 का रीजनिंग, 25 का आपको जर्नल मिल जाएगा, और 25 नंबर का आपको आप चाहेंगे तो इंग्लिश बना सकते हैं या फिर हिंदी, ये आपके च्वाइस के ऊपर होता है। देख लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, देखिए मैं जो बता रहा था वो पिछले बार का था, मुझे लगा इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन नहीं, इस बार जो है एग्ज़ाम का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 160 नंबर का जो है
पेपर होने वाला है और क्वेश्चन 20-20 होंगे। जितने मैंने बताए हैं वो 25 जो है वो 20-20 होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 0.5 का है, जो कि ठीक है क्योंकि हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का है, तो ठीक है। इस बार देखिए बहुत बड़ी ये न्यूज़ है कि जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, मतलब क्वेश्चन जो है वो घट चुके हैं 55 क्वेश्चन इसलिए से 80, और टाइम भी घट चुका है 60 मिनट का केवल टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। पहले जो है 90 मिनट का हुआ करता था, और सभी में जो अभी 20-20 लिखा है उसमें 25-25 जो है क्वेश्चन हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो देख लीजिए चेंज हो चुका है, और इसमें डिटेल दिया हुआ है जर्नल रीजनिंग का, अवेयरनेस का, नॉलेज का, फिर मैथ्स का क्या क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश तो देख लीजिए। और फिजिकल टेस्ट की बात करें तो ये वही है, यहाँ पे मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और यहाँ पे 2 रखा गया है। देखिए ये केवल लद्दाख रीजन के लिए है जो 1.6 किलोमीटर है, यहाँ पे पिछली बार जो रखा गया था वही रखा गया है, तो आगे आप देख सकते हैं। और हाइट वगैरह देखिए आप इस नोटिफिकेशन में पूरा देख लीजिएगा, पर मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत अच्छा आपके लिए मौका है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।